बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर आई एन एफ। मैं हूं डॉक्टर अमारा फ़याज़ और आज की हमारी वीडियो का थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होगा रूटीन की वीडियो से हटके। आज हम बजाय किसी टॉपिक पे डिस्कशन करने के एक लाइव डेमो करेंगे इंजेक्शन का। और इंजेक्शन आप सबको आइडिया हो ही गया होगा कौन सा है, जिसके बारे में भी हमने थोड़ी पहले कुछ वीडियोज़ पहले बात की थी। इंजेक्शन है कोसेंटिक्स और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये किस तरह से आता है, कौन सी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, क्या इसकी प्राइस है, कौन सा इसका टेम्परेचर है जिस पे इसे स्टोर किया जा सकता है, किस तरह से इसे प्रिपेयर किया जाएगा और किस तरह से क्लाइंट को इंजेक्ट किया जाएगा, या क्लाइंट खुद कर ले या जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो इसको किस तरह से इंजेक्ट करेगा, इसका तरीकाकार क्या है इंजेक्ट करने को। मेरे साथ रहिएगा, आइए देखते हैं। ये आज हमारे पास हमें कोसेंटिक्स रिसीव हुआ है और इस तरह की इसकी पैकिंग होती है। आप देख लें इसे अच्छे तरीके से, ये पैक हुआ है। तो हम इसकी पैकिंग खोल के देखते हैं कि इसमें से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। देखो ये हमारा बॉक्स खुल गया है, इसमें हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। ये किट है, ये इसको देखते हैं। ये है आपका इंजेक्शन है और आइस पैक के साथ ये पड़ा हुआ इसके अंदर से निकला है। तो बाकी इस बॉक्स को ये देख लेते हैं कि किट में क्या है। इसकी जो किट है उसमें से ही ये सारी चीज़ें निकल रही हैं इस किट में से निकला है। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये जितनी भी प्रोडक्ट्स इस किट में से निकली है नोवार्टिस की अपनी प्रोडक्ट्स नहीं है और ये पेशेंट्स की रिक्वेस्ट पे प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद एक इसमें स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन निकला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है अल्कोहल स्वैब है और उसके बाद हमारे पास एक 26 गेज नीडल है और ये 20 गेज नीडल है एक, और ये एक प्लास्टर है सनी प्लास्ट। उसके अलावा एक ये 3 cc की सिरिंज निकली है। इस किट में से निकलने वाले चीज़ों का यूज़ किस तरह से है ये हम बाद में देखते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं हमारा इंजेक्शन, ठीक है। अब ये इस तरह से इसकी पैकिंग है और सबसे पहले हम इस पे देखेंगे इसकी एक्सपायरी डेट, ठीक है। वो है जनाब 6 जून जून 2022 यहाँ पर इसकी एक्सपायरी डेट मैंशन हुई होती है और इसके साथ ही यहाँ पे ऊपर इसकी प्राइस मेंशन हुई हुई है 59,000 समथिंग। और उसके बाद ये कोसेंटिक्स इसका नाम है, साथ ये मेंशन हुआ है 150 mg की एक वायल है और पाउडर फॉर सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन, ठीक है। और यहाँ मेंशन है फॉर सब क्यूटेनियस यूज़ ओनली, यानी कि इसे सिर्फ जिल्द के नीचे इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी यहाँ पे इसका स्टोरेज टेम्परेचर मेंशन है 2 से इसको 8 डिग्री पे से रखा जा सकता है। तो इसलिए यूजली इसके साथ मैंने आपको दिखाया पहले पैकिंग में भी कोल्ड पैक एक आइस पैक आया है पहले, उसे यूजली या तो फ्रिज में स्टोर करेंगे, ठीक है। अब हम इसको खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर से किस तरह से निकलता है इंजेक्शन। ये इंजेक्शन यहाँ से सील्ड होता है। अगर आपको सील ब्रोकन मिले तो डेफिनेटली आप इसे नहीं लेंगे। और आप इसका नेक्स्ट, ये मैंने सील इसकी ब्रेक की है, सील थी हमने खोल ली और अब हम इसे खोल रहे हैं। ये इसमें से निकला है पैकेट में से एक पैकेज लीफलेट निकला है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं और कोसेंटिक्स के वो यूजेस और वो सारी चीज़ें जिस तरह से ऑलरेडी सारे लीफलेट्स पे मेंशन होती हैं। और उसके अलावा ये निकली है एक हमारे पास वायल, और कोई चीज़ नहीं निकली। ये भी ऊपर से सील्ड है और अभी इसको देखते हैं। इसको पहले हम 10 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ेंगे ताकि ये अपने रूम टेम्परेचर पे ये आ जाए। उसके बाद इसे प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। प्रिपेयर करने से पहले ही इसे 10 मिनट्स के लिए अपने रूम टेम्परेचर पर छोड़ना होता है। अच्छा, हमारा 10 मिनट्स गुजर गए, इंजेक्शन हमारा रूम टेम्परेचर पे आ गया है वाइल। अब हम इसको पकड़ेंगे इस तरह से और बड़ा 45 के एंगल पे टिल्ट करने के बाद बड़ा स्लोली इसको रोटेट करते रहेंगे। इसको रोटेट करेंगे फॉर अनदर 10 मिनट्स। दोबारा से 10 मिनट के लिए इसको हमने रोटेट करना है। अच्छा, ये अब हमने 3 cc की नीडल ले ली है। इसको इसमें से स्टेराइल वाटर में से हम 1 cc वाटर, 1 cc का मतलब कि 1 ml पानी जो है हम इसमें इंजेक्शन में फिल करेंगे। इसको अब हम डालेंगे इस वायल में। नीडल कैप करके रख देनी है। उसके बाद आपने जो इंजेक्शन इसमें वाटर डाला है इसको आप दोबारा से 45 के एंगल पे रोटेट करेंगे फॉर एन अदर 20 मिनट्स। 20 मिनट के लिए इसे आप 45 के एंगल पे रख के घुमाएं। अच्छा, अब हमारे 20 मिनट्स गुजर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये इंजेक्शन हमारा प्रिपेयर हुआ है कि नहीं। फिर इसको रोटेट करने के बाद आप इसे थोड़ी देर सेटल होने के लिए छोड़ देंगे और देखेंगे कि अगर तो ये लिक्विड बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो इट मीन्स कि आपका इंजेक्शन ओरिजिनल है और ठीक है। अगर आपको इसमें ज़रा भी सोल्यूशन जो है थोड़ा सा क्लाउडी या फॉगी लगे तो आपने ये इंजेक्शन रिटर्न करना है या आपने इसकी कंप्लेन करनी है या जिस तरह भी आपने इसको इंजेक्ट नहीं करना। तो अब देख लेते हैं ये इसके प्रिपरेशन के बाद हम क्या करेंगे कि हम लोग जो 20 गेज की नीडल इसके साथ आई है वो अपनी 3cc वाली सिरेंज है उसके ऊपर से उसे लगा लेंगे। ये मैंने ओपन की है और ये इसके अंदर ऐसे ही लगा के अब मैंने इसे निकाल लिया। 20 गेज की नीडल लगाने का मकसद क्या है कि ये बड़ी होती है, इंजेक्शन प्रिपेयर होने के बाद थोड़ा थिक हो जाता है तो ये हमारी नीडल में आराम से आ जाएगा। ये हमने इसे फिल कर लिया है और ये 1cc का सोल्यूशन हमारा तैयार होगा बिकॉज हमने पहले 1cc लिक्विड जो है वो लिया था। इस सिरिंज में फिल करने के बाद हम लोग ये 10cc वाली ये 20 गेज की नीडल जो है ये ऊपर से दोबारा उतार देंगे ताकि, और हम इसके अंदर इसके आगे एक नई नीडल लगाएंगे ताकि अगर किसी भी किस्म की इन्फेक्शन अगर या कोई जर्म्स हमें सरफेस से लग गए हैं या इस तरह का कोई इम्कान है तो वो बिल्कुल ना रहे। और दूसरा ये जो नीडल अब हम लगाने लगे ये 26 गेज की है तो इसका साइज़ छोटा है और ये इंजेक्शन में आसान होगी और पेनफुल कम होता है, लेस पेनफुल होती है और सबकूटीनियस इंजेक्शन के लिए कॉमनली यूज़ की जाती है। इसको आप दिखाते हैं, ये देखें इसकी नीडल कितनी छोटी है। ठीक है, तो चलें अब हम इसको एयर फ्री कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे पेशेंट को ये हम ब्लाइकर से 2 फिंगर्स के गैप के साथ हम इसे लगाएंगे, 2 फिंगर्स के गैप के साथ, और ये अल्कोहल स्वैब लेके इसे सेंटर से इनसाइड से आउट रोटेट करेंगे और काफ़ी सारा एरिया क्लीन कर लेंगे। उसके बाद हम इसे कर लेंगे ताकि हमारे बाद में काम आए। ये इंजेक्शन है हमने लिया, ये हम इसे 90s के एंगल के साथ इसे इंजेक्ट करेंगे। थोड़ा सा हमने स्किन का पिंच बना लिया है ताकि इंजेक्शन में थोड़ा इजी हो। हम ले गए, पीछे से पुल करके देखेंगे तो ब्लड तो नहीं आ रहा, और उसके बाद हम इसे इंजेक्ट कर देंगे। और इंजेक्ट करने के बाद थोड़ी देर तक सिरिंज को अंदर ही रखेंगे बिकॉज हम नहीं चाहते कि हम जब सिरिंज को बाहर निकालें तो साथ ही इंजेक्शन का भी कोई एक आधा ड्रॉप बाहर आ जाए। जो स्किन का पिंच है वो हमने छोड़ दिया और उसके बाद हमने ये सिरिंज बाहर निकालेंगे और स्वैब के साथ इसको प्रेस कर देंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम बस प्लास्टर लगा देंगे और क्लोज करेंगे। तो ये था आज हमारा कोसेंटिक्स का डेमो और इंशाल्लाह आई होप सो कि आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन है तो क्लियर हो गई होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।